और नारायणपुर में विधानसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। नारायणपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर जहां कांग्रेस से चंदन कश्यप को पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया, जबकि बीजेपी ने केदार कश्यप को अपना प्रत्याशी बनाया है। दोनों ही पार्टी के प्रत्याशियों ने राजनीतिक गलियारों का भ्रमण शुरू कर दिया है। लगातार चुनावी रैली और आम सभा करके दोनों ही प्रत्याशी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इधर चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी प्रत्याशी केदार कश्यप ने चंदन कश्यप पर संगीन आरोप लगाए और कहा कि विधायक की पंच जैसी शक्ति नहीं है, वो क्या जिले का विकास करेंगे। नारायणपुर जिले की खस्ता हाल सड़कें इसकी गवाही दे रही है। नारायणपुर जिले में बीते 5 सालों में जो भी वादे चंदन कश्यप ने किए थे वो पूरे नहीं किए गए। चंदन कश्यप ने केदार कश्यप के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी उनके कथन को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पे लगातार 5वीं बार विश्वास जताया है और मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। और जिस तरीके से अपार जन समर्थन यहाँ के लोगों का मिल रहा है, निश्चित तौर पे पूरे प्रदेश में परिवर्तन की लहर है। नारायणपुर भी पीछे नहीं है। नारायणपुर में जो वादे इस कांग्रेस की पार्टी ने की थी, विधायक ने कहा था, उनको वादा पूरा करने की स्थिति में आज नहीं है। विधायक के पास जाओ तो विधायक कहते हैं कि मेरे पास तो पंच इतनी शक्ति नहीं है। जब जिसके पास पंच इतनी पावर नहीं है तो वो विधायक बन के करेगा क्या, कौन सा ऐसा काम कर लेगा? इस बात का जवाब इस कांग्रेस पार्टी को देना पड़ेगा। ये वाला बात सरपंच पंचों का उदाहरण जैसे मैंने कहा था, उसको तोड़ मरो करके बताया जा रहा है। यदि मैं पंच बराबर पावर नहीं रखता तो 5 साल में नारायणपुर विधानसभा में 4 तहसील नहीं बनवाता। और उन्होंने क्या किया, 15 साल मंत्री थे। जब उनके बाप ने 81-82 में रूप तहसील खोला जो जगदलपुर चल रहा था, और जब बस्तर तहसील बना तो बस्तर में चल रहा था, उसके बावजूद तीनों बाप बेटा मंत्री, सांसद और मंत्री होते हुए भानपुरी जब तहसील नहीं बना था, उनके पास क्या पावर था? और बात करते पंच की, हाँ मैं पंच हूँ, इतना काम किया, उन जो पखना पूजा है, पत्थर पूजा करके लोगों को भ्रमित नहीं किया है। उन्होंने तो आरनार में, तोतर में पत्थर पूजा के हमें पुलिया बना दूंगा, एक तरफा वोट दे, क्या पुलिया बनाए उन्होंने? और कोंडागांव से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। केसकाल और कोंडागांव बीजेपी के प्रत्याशी ने नामांकन किया है। केसकाल से बीजेपी के प्रत्याशी नीलकंठ टेकाम ने पर्चा भरा है, जबकि कोंडागांव से बीजेपी के प्रत्याशी लता ओसिनी ने नामांकन दाखिल किया है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है।